ये कितना बदमजा है, चखा भी नहीं जा रहा। आप कहाँ हैं जय कोताए? आपने कुछ खाया भी होगा या नहीं? क्या मैं इसका जायका चख सकती हूँ? हाँ ठीक है, चख लो इसे। हाँ लेकिन ये मजे का नहीं है, इसका जायका मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसके अंदर तो बहुत ज्यादा नमक है। क्या नहीं, ये नमकीन तो नहीं, बस बेजायका है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे नहीं चखना इसे, ये वाकई बेजायका है। जय कोताए, ये आपके ना होने की वजह से हो रहा है। आह जय कोताए, आह, आपके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आलगन, अलाउद्दीन को देखा है तुमने? नहीं बाला खातून, खैरियत तो है? अल्लाह अल्लाह, आखिर किधर गया वो? वो दुर्सन फकीर के साथ होंगे। लेकिन अब तक उसे आ जाना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग शहीद हुए हैं। उस्मान साहब, तुमने मुझे जंग की एक वजह बताई है, आखिरी चीज जो देखने जा रहे हो वो तुम्हारे हिसाब का दिन होगा। हम रोजे कयामत रसूलुल्लाह के झंडे तले इकट्ठे होंगे। अलबत्ता रोजे कयामत काफिरों को डरना चाहिए। किसने किया है ये? वो अलाउद्दीन साहब को ले गए। क्या? हम उन्हें नहीं रोक सके। हमें माफ कर दीजिए बाला खातून। मेरा बेटा। सिपाहियों, जल्दी इसे तबीब के पास ले जाओ, चलो। मेरी बात सुनो, यहाँ के तमाम दरवाजे बंद कर दे, कोई बाहर ना जाने पाए। ठीक है सिपाहियों, मेरे बेटे को ढूंढने जाएं, जल्दी। मैं पहले से जारी जंगों में मुदाखलत नहीं करता, बल्कि मैं उन्हें शुरू करता हूं। यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास। हम अदालत लगाएंगे और हकीकत को जाहिर करेंगे। खून बहाना हल नहीं है सबका। मजीद खून ही इसका हल है उस्मान। खून, खून ही हल है इसका। तो चलो ठीक है, तुम्हारा हिसाब जंग के मैदान में ही होगा। मेरी अमानत का खास ख्याल रखना, समझ गए ना? मैं आपका तोहफा एहतियात से पहुंचा दूंगा। आला खातून का हुक्म है कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं। अलाउद्दीन, कहाँ हो मेरे बेटे?
कहाँ हो आखिर तुम? अलाउद्दीन, बाला, हम उसे ढूंढ लेंगे। आयशा, सबर करो बाला, सबर करो। बाला खातून, अलाउद्दीन की किताब मिली है, इस पर खून लगा है। तुम्हें तुम्हारे हथियार से मारूंगा। मेरी कुनारी हथौड़े की तरह है, इसको पकड़ने के काबिल तो बनो। देखता हूं तुम्हारी काबिलियत क्या है। आ जाओ, शुरू करते हैं। रुकिए, मैं यहां शहंशाह के हुक्म पर आया हूं। आप गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं जानता कि तुम किसके साथ हो, मगर फिर भी खाली हाथ नहीं जाओगे आज तुम यहां से। मुझे अपनी बात समझाने दें। आपका बेटा अलाउद्दीन शहंशाह के दुश्मनों के हाथ में है, क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? ये दुश्मन हमारी सरजमीन में घुस आया है, आप इस तरह हाफिल कैसे रह सकते हैं? क्यों ऐसे ही है ना? क्या कुछ नजर नहीं आया आप लोगों को? सिपाहियों, जवाब चाहिए मुझे। किससे बात कर रही हूँ मैं? हाँ, क्या समझ नहीं आता? जवाब देना होगा। बाला खातून, सब्र करें। बाला खातून, यह गुस्से का वक्त नहीं। जिसने आपको औलाद अता की है वो यकीनन आपको आजमाएगा भी। हम ढूंढ लेंगे अलाउद्दीन को। आग तैमूर, क्या कोई सुराग मिला? कदमों के निशान धुंधले हैं और आगे जाके गायब हो रहे हैं, पीछा करना होगा। हमें फौरन रवाना होना चाहिए। सिपाहियों, जल्दी से घोड़े तैयार करो। दुर्सन फकीह, बेटा जरा होशियार रहना। अलाउद्दीन मेरे बेटे हैं। जिस किसी ने भी तुम्हें यहां से अगवा किया है, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगी। कौन है, किसका काम है ये बताओ? वो लोग जो शहंशाह को कत्ल करना चाहते थे, ओफेलिया,
शहंशाह की बेटी। लेकिन ओफेलिया अकेली नहीं है, फ्रीक जिसे उसने आपको तबाह करने के लिए सरजमीन पर भेजा था वो हमारे दुश्मन है उस्मान साहब। हमारे दुश्मन नहीं कहो, तुम लोग एक तरफ हो और हम दूसरी तरफ। आपने उस दिन कुस्तुनतुनिया को बचाकर उनकी दुश्मनी मोल ले ली उस्मान साहब। दुश्मन मुश्तरका है तो इसका मतलब हम एक ही तरफ हैं। तो फिर इसका क्या होगा? ये रोम का सबसे काबिले एहतराम जंगजू है। ये आकतम साहब के गांव में होने वाले कत्ल का बदला लेना चाहता था, ये इसकी गलती है। कांता कोजानस, अगर मेरे बेटे को एक भी खराश आई तो देखना तुम सबको तबाह करके रख दूंगा। अगर मैं इससे डरता तो इतनी छोटी फौज के साथ यहां ना आता। मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन है। मुझे यकीन है कि हम उन दो शैतानों के बनाए हुए तमाम मंसूबों को तबाह कर सकते हैं। और ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं उस सियाह दिन से उनके पीछे लगा हुआ हूं। उसके आदमियों में से एक को पकड़ भी लिया है। मुझे जो सुराग मिला वो मुझे सरजमीन पर ले आया। ये जो कुछ तुमने कहा है अगर साबित ना हुआ और झूठ निकला तो बस तुम सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बताओ वो कहां है? वो जमीन के नीचे है। कांता कोजानस, ये जो ओलुफ है इसने मेरे सिपाहियों को मार डाला, जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहरा दिया। इस कत्ल और गारत का तुम भी शोहदा को जिम्मेदार समझोगे? हम गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे जिन्होंने आपके गांव पर हमला किया? उन्होंने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया? उन्होंने उसे दान के लिए अगवा किया। दान फरीक का भाई है, वो वेलिया का वफादार खादिम है। मेरी प्यारी बेटी ओफेलिया, उसने मेरे लिए एक बहुत हल्की और मजबूत जरा तैयार की है। बेफिक्री यह है कि इसे पहनने के बाद कोई भी हथियार आपको छू नहीं सकता शहंशाह। जब ही कांता कोजानस ने कहा कि आपके साथ खड़ा रहूं मैं। उसे मुझसे इतना ही प्यार करना चाहिए जितना ओफेलिया करती है ना? आप ठीक तो है ना मातम? कुछ खास नहीं है, लगता है इसकी तैयारी के वक्त कोई सुई रह गई होगी शायद। ये कैसे हो सकता है? शहजादी ओफेलिया ने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। बाबा ये तो आप पर बहुत अच्छी लग रही है। बाबा जाओ, रुक जाओ, यहां मत आना, कोई भी खतरा हो सकता है। सुनो, तबीब को लेकर आओ फौरन यहां। बाबा शहंशाह के खोलिए। हर चीज जाननी है मुझे, हर चीज जाननी है। तुम्हारे लवन के करीब और कोई नहीं। तुम लेकर आई थी ना जहर,
सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करो फौरन। को तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं तो अपने बेटे को उन लोगों से बचा लूंगा, लेकिन अगर इसके पीछे तुम हुए तो इतना याद रखना, मैं किसी चीज के पीछे नहीं हूं। मैं सिर्फ आपका दोस्त हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। तुम्हारी बात मैं जरूर सुनूंगा, मगर वो ओलुफ उसकी कीमत अदा करेगा जो इसने मेरे सिपाहियों के साथ किया है। और अगर उत्तम गांव को तबाह करने की कीमत अदा करता है तो मैं भी खून के हर खतरे की कीमत अदा करूंगा। तुम फिक्र मत करो ओलुफ, जब वक्त आएगा तो वो कीमत तुम मुझे अदा करोगे। रोम के काबिल एहतराम जंगजू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बारे में हम बहुत वाज़ेह हैं। आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो जब होगी तो जरूर करेंगे। तुम वापस नहीं आ पाओगे उस्मान। रहम कर, मेरे मामा की हिफाजत कर। दरवाजा तोड़ दो। कहां गई? हर जगह तलाश करो। शहजादी कहां तक भागोगी? मैं ढूंढूंगा। उस्मान हमारी चाल का शिकार हो रहा है। अब हम इंतजार करेंगे जब तक कि वो कायल नहीं हो जाता। मुझे सब कुछ बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। बताओ। लेकिन अभी तुम्हें ये खेल रोकना होगा ओलुफ। मैं अपने मंसूबे पे कायम हूं। तुमने मुझे उस्मान का सर क्यों काटने नहीं दिया? क्यों? फ्रीक मुझसे मुत्तफिक है। उसने हमारे लिए अलाउद्दीन को अगवा किया था। हम उसे ऐसे तबाह नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो इससे दान मारा जाएगा। क्या तुम किसी और भाई को भी खोना चाहते हो? इस चरवाहे की वजह से मैं दोबारा अपने किसी भाई को नहीं खो सकता। फिर हम अपने उसूलों के मुताबिक खेलेंगे। हमारे पास अलाउद्दीन है, उस्मान उसे ढूंढ लेगा, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकेगा। कोई बात नहीं करनी, यानी शहर पर छापा मारूंगा और लड़की को मार डालूंगा। तुम इसे मुश्किल क्यों बना रहे हो लोफ? उस्मान उस वक्त मर जाएगा जब वो अलाउद्दीन को बचाने की कोशिश करेगा, और फिर तुम अपने भाई को खामोशी से बचा लोगे। फिर मैं नेकी वाली फौज के साथ आऊंगा और यनी शहर को तबाह कर दूंगा। तो फिर
कुस्तुन दुनिया वापस जाओगे एक बहादुर बनकर। सिर्फ मैं नहीं, हम सब जाएंगे, और तख्त मिलने के बाद हम उन तमाम तुर्कों को जान से मार डालेंगे। मेरी नजरें तुम पर सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं तुम पर एतबार करना चाहता हूं, मुझे मायूस मत करना। अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। निशाना तो उस तरफ जा रहे हैं। उस्मान, माला, क्या हुआ? उस्मान, क्या हुआ? अलाउद्दीन, हमारा बेटा अगवा हो गया है। मुझे लगता है यहीं कहीं है, पहिए के निशानात मौजूद हैं। हुजूर, निशानात हमें यहां तक लेकर आ गए, लेकिन अब दो रास्ते हैं। जिसने भी मेरे बेटे के साथ यह सब किया है, उसके लिए जमीन पर अब कोई जगह नहीं है। इसका मतलब कांता कुजुनुस ठीक था। हम पहियों के निशानात का ताकुब करेंगे, और तुम सब में से कुछ सिपाही उस तरफ जाएंगे। अख्तमोर, तुम दुर्गुत के साथ अख्तम साहब के कबीले जाओगे, और वहां से शहदा को उनके कबीले की तरफ लेकर जाओगे। जो होगा। चलो, हम अपने बेटे को ढूंढने जा रहे हैं, आ जाओ। बाबा की मौत तक जिंदा रहना है, फिर तुम सब मर जाओगे। ना ही मैं कभी तुम्हारा कैदी बनूंगा, और ना ही मेरे बाबा तुम्हारे जाल में फंसेंगे। मार दो मुझे। आज हम उस्मान से अपना इंतकाम जरूर लेकर रहेंगे। वल्हाला के लिए, 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 वल्हाला के लिए। मुझे ताजा मछलियां बहुत पसंद हैं। जरा देखने दो इसे। खुद को तैयार रखना लियो, क्योंकि उस्मान अपनी मौत की तरफ गामजन है, क्योंकि हम दान को जिंदान से बचाएंगे। शहर के चारों तरफ सिपाही हैं, और तमाम दुकानें भी बंद हो रही हैं।
क्या ये खौफ की बू है जिससे मैं सूंघ रही हूँ लियो? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? हम जिंदान में कब जा रहे हैं? जल्दी किस बात की है लियो? इस शहर में कोई ऐसा है जिसकी आमद का हमें इंतजार करना होगा? चरखुताय, सिपाहियों, बिस्मिल्लाह। निशानी मौजूद है। खून से लिखा क्या है हुजूर? उनका कहना है पीछा ना करो। अगर वो मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचाते हैं तो मैं दोनों जहां में उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। उस्मान बाला, तुम फिक्र मत करो, इस वक्त हमें मोहताद रहने की जरूरत है। हमारे बेटे को उनके जाल का एहसास हो चुका था। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। मैं जाती तौर पे इस दर्द को बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन औरों का क्या? देखिए, आप इनके बेटों की लाशों के मकरूज हैं अख्ताम साहब। मैं क्या कर सकता था खातून, क्या कर सकता था? शेख ने कुछ भी करने से रोक दिया, उनका हुक्म मानना पड़ा मुझे। मैं खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता हूँ? हम शेख के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि कुछ गड़बड़ होने की सूरत में ही आप बगावत कर सकते हैं। शेख की मौजूदगी में तो आपने ये बात नहीं कही? मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन आप उस्मान साहब के साथ लड़ने जा रहे थे उक्ताम साहब, खून बहने वाला था, इसलिए मैंने इस तरह किया। लेकिन हमें अपने शहदा को कुफार के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए था। यकीन करें मेरा। नहीं बेंगी खातू, इनकी हालत अच्छी नहीं। ऐसा मत करो खातू, मत करो। आपको मेरा नहीं, उन काफिरों का हाथ पकड़ना चाहिए था जिन्होंने ये सब किया। छोड़िए मेरा बाजू, मैं देखूंगी
मेरी बात माने खातून, ये मत करें। छोड़िए उक्ताम साहब, मुझे देखना है। नुकसान पर अफसोस है मुझे, शुक्रिया। खुदा ने तुम्हें भेजा है। उस तरफ चलिए। ये कासिद कुस्तुनतुनिया से आए हैं आयशा खातून, उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं। उस्मान साहब यहां नहीं है, मलून खातून से बात कर सकते हैं आप। आ जाए मेरे साथ। शहंशाह एंड्रू निकोस चाहते हैं कि हम ये उस्मान साहब तक पहुंचा दें। उन्होंने अपनी नेक तमन्नाएं भेजी हैं। उस्मान साहब जब आएंगे तो मैं आपकी इस अमानत को पहुंचा दूंगी। अब आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह कोई बुरी खबर नहीं होगी। उस्मान साहब जब अलाउद्दीन को सही सलामत वापस ले आएंगे तब हम जानेंगे कि आखिर ये शहंशाह का मसला क्या है। Ya Allah!
अलाउद्दीन। अब आ गए हैं बेटा। अलाउद्दीन, 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 ये ठीक है ना बाबा? माशाल्लाह, ये ठीक है, ठीक है। चलो आराम से बेटा, आ जाओ। बेटा, बेटा, मेरा बेटा। तीर चलाओ। सिपाहियों, इन्होंने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की है। इन सबको अब मेरे गजब से कोई नहीं बचा सकेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमला करो, सबको मार डालो। उठो बेटा। मैं तुम्हें बहुत चाहती थी, तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे ही थे। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, मेरे बतूर। मैं तुम्हें एक सरदार के तौर पे देखना चाहती थी और अब तुम्हें मैं कफन में देख रही हूं। खातून, खुद को संभालिए। बातूर एक शहीद है, हमें रोने का भी हक नहीं, हम रो नहीं सकते।